सो आकाश, इफ यू कैन हियर मी ऑल राइट, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि तीन अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों को केकेआर ने रिलीज किया है, आपके हिसाब से ऐसा क्यों किया होगा? इसकी प्रमुख वजह यही है कि मिचेल स्टार्क तो अवेलेबल होते नहीं है और मिचेल जॉनसन अब उतने अच्छे गेंदबाज नहीं रहे हैं, तो फिर इनको रख के क्या फायदा होता है? यवान सर्ल्स की बात कर लें या फिर करण की बात कर लें, उन्होंने भी कुछ ऐसा कमाल का काम किया ही नहीं, तो मेरे विचार में तो बिल्कुल ठीक किया है। इस पिच पे उछाल ज्यादा है, इस पे गति ज्यादा है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी ना होना तो फिर क्वांटिटी से काम चलता नहीं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर वो अब शॉपिंग के लिए निकलेगी फास्ट बॉलर्स की। क्या बांग्लादेश के महमदुल्ला रियाद एक ऑप्शन बन सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए? महमदुल्ला रियाद को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ और मैं थोड़ा सा हमेशा हैरान रहता हूँ कि कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइज इनको लेती क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं और साथ में एक दो ओवर की आपको स्पिन गेंदबाजी भी दे सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी बहुत आसानी से आपको आईपीएल में मिलते नहीं है, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, लेकिन अगर विदेशी आप रिक्रूट्स भी देखें तो इतने बढ़िया आपको प्लेयर नहीं मिलते, तो फिर ज़रूर एक आपके पास सोच रह सकती है, आप इनकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए शायद उपलब्ध भी रहे, और नहीं भी रहते हैं तो भी मैं कहूंगा कि ये सस्ते मिलेंगे आपको, ये महंगे नहीं आएंगे महमूदुल्ला रियाद, तो फिर व्हाई नॉट गो फॉर हिम एंड सी कि शायद हो सकता है कुछ वो वैल्यू ऐड करें कोलकाता के कैंप में। इंटरेस्टिंग आकाश, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए कि क्या टीकेआर के अली खान एक ऑप्शन बन सकते हैं केकेआर के लिए? टीकेआर और केकेआर का खैर ये बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता है, तो फिर वहाँ के रिक्रूट्स यहाँ आया करते हैं, यवान सर्ल्स भी हमने देखा था पिछले साल, इस बार हो सकता है वो अली खान की तरफ जाएं। यूएस का रहने वाला ये एक तेज़ गेंदबाज, गति है इनके पास, स्विंग है इनके पास, और जो CPL का आखिरी सीजन रहा था उसमें उन्होंने अच्छा भी किया था, सबको प्रभावित किया था, सो व्हाई नॉट, आई थिंक ही कैन बी अ वेरी टेम्पटिंग ऑप्शन, और इनसे बेहतर अली खान को कोई और जानेगा भी नहीं। आकाश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर थॉट्स ऑन अनदर एपिसोड ऑफ नाइट क्लब। आप ऑस्ट्रेलिया में जरूर है मुझे पता है, लेकिन आपने हमेशा की तरह हमारे लिए वक्त निकाला। दैट वॉज आकाश चोपड़ा, आवर एक्सपर्ट।